शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए कैप्टन, तेरे को कैप्टन बना दिया ना? तेरी बटालियन क्या कर रही है? खड़ी कर दो लाइन में। लाइन में लगो, लाइन में, लाइन में। और कुछ खाएगी? चिबिन गम मिलेगा? हाँ। ये लो। शर्मा बोल रहा हूँ, शर्मा फैक्ट्री से। हाँ बोलो शर्मा, क्या बात है? बहुत बड़ी गलती हो गई राणा साहब, हमारी टॉनिक प्लस की सारी बोतलों में अफीम और गर्द की ओवरडोज के कारण उसमें जहर फैल गया है। थाना और कल्याण में कई बच्चे मारे गए हैं, यहाँ तक कि मेरठ और कानपुर में भी 7 बच्चों के मारे जाने की खबर है। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अपने गधे के बच्चे, तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? सुनो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? अरे मौके की नजाकत को समझो, यहाँ लोग हमें लपेटने में लगे हुए हैं और तुम्हें फोन करने की सोच रही है? कान खोल कर सुन लो, 2-3 दिन तक बिल्कुल फोन नहीं करने का, समझे? देखिए आप, इन टॉनिक प्लस वालों को बंद कर देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसी दवा बेचने वालों को। कितने बच्चे मर गए देखिए आप, क्या हो रहा है? अस्पताल भर के भरे पड़े। चाहते हो डॉक्टर हसमुख, तो सीधी तरह से बयान दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ, सजा बहुत कम हो जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टॉनिक प्लस वालों के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे छोड़ दो। पुलिस अच्छी तरह से जानती है डॉक्टर हसमुख पटेल कि टॉनिक प्लस का सारा कंसाइनमेंट तुम्हारे पास आता है, और ये सच मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा। इसकी बहुत तरीके हैं मेरे पास, समझे? लपेटो लपेटो, अब ये नहीं लपेटो, अब वो इंस्पेक्टर का बच्चा हम सब पर भूखे शेर की तरह लपक पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर हमारे लिए खतरा बन गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उस खतरे को दूर करने का वक्त अभी नहीं आया। पुलिस से मुजरिम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, फिलहाल उस इंस्पेक्टर को भूल जाओ। सबसे पहले हमें वो सबूत मिटाना है जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं।
की वर्दी पहनकर तैश और जोश दिखाने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धोना, समझे आप? सर, पटेल को इंटरोगेट करते वक्त मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये रही पटेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि पटेल सिर्फ बेहोश था, बस। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। लेकिन सर, आई एम सॉरी शर्मा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से आया है। पाप का बोझ कंधे पे ढोना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डॉक्टर हसमुख जैसे भले लोग भी हैं इस दुनिया में। लपेटो और थोड़ा लपेटो। अरे भाई लपेटो। लपेटो लपेटो। चलो अच्छा हुआ हमने पुलिस को परेशानी से बचा दिया, अगर हसमुख जिंदा होता तो पुलिस को काम करना पड़ता। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि जब डॉक्टर की आत्मा मिस्टर साहब से ऊपर जाकर मिलेगी और उसे बताएगी कि हमने उसका सारा कारोबार लपेट लिया है तो क्या होगा, क्या होगा? चेस इसमें है वो शराब में कहां।
ये खोल दो बॉटल। देखो ए नौ टंग पी के पाउशेर की धांधल करने का नहीं, समझे? आराम के साथ पियो। देखो स्विमिंग करना आता है क्या है? कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है तू। प्यारी प्यारी नहीं, वो सारी बातें करती हूँ। अरे क्या बोले हो, गुदगुदी का खेल खेला मैं कभी आता है। आप लोगों के दुख में शामिल नहीं हो पाएंगे, कुछ और लोगों के साथ दुख बांटना है। ले चलो, जय माता दी, जय माता दी। हेलो